दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि कार लोन सॉरी होम लोन क्या समय से पहले बंद कराना उचित है क्या या अनुचित है, या उन चीजों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कार लोन समय से पहले बंद कराना सही है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आज बैंक या फाइनेंस कंपनियां नई और यूज्ड कार खरीदने के लिए आसानी से लोन देती है, लेकिन इस कार लोन को समय से पहले चुकाने के नियम और चार्जेस हर बैंक और फाइनेंस कंपनी में अलग-अलग हैं। अगर आप कार लोन के भुगतान के लिए थोड़ा या पूरा पैसा जमा करना चाहते हैं, तो लगभग सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियां आप पर प्री पेमेंट, फोर क्लोजर और पार्ट पेमेंट चार्जेस लगाती है। ऐसे में आप के लिए इनको समझने के साथ ही कार लोन समय से पहले चुकाए जाने के फायदे या नुकसान के बारे में भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं चीजों को समझते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे खुशी है कि पर्सनल फाइनेंस और लोन से जुड़े इस चैनल पर नए सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत से नए लोग इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहते हैं। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की और ज्यादा जानकारी बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस और लोन से जुड़ी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना लाता हूँ। साथ ही नई फाइनेंस कंपनी की रिव्यू के साथ इन कंपनियों के लोन प्रोसेस, ब्याज और खास बातों की जानकारी भी इस चैनल पर आपको देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कार लोन के समय से पहले ही बंद कराने के फायदों या नुकसान से पहले आपको दो बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी समय से पहले लोन बंद करने पर आप पर पेनल्टी क्यों लगाती है, और दूसरी बात है आपको प्री पेमेंट और फोर क्लोजर में अंतर को समझना जरूरी है। पहले बात करते हैं कि बैंक या फाइनेंस कंपनी आप पर समय से पहले लोन बंद करवाने के लिए पेनल्टी या चार्जेस क्यों लगाती है। तो दोस्तों, बैंक या फाइनेंस कंपनी ने जिस अवधि के लिए आपको लोन दिया है उससे पहले यदि आप लोन बंद कर देते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को ब्याज का नुकसान होता है। ऐसे में वो फोर क्लोजर या पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट चार्जेस के माध्यम से उस नुकसान की भरपाई करते हैं। अब बात करते हैं कार लोन के प्री पेमेंट और फोर क्लोजर के अंतर की। तो दोस्तों, अगर आपने 5 लाख का कार लोन 2 या 3 साल पहले लिया था और अब आप चाहते हैं कि उस लोन में 1 लाख की रकम एकमुश्त जमा कर दें जिससे कि आपकी लोन अवधि या लोन पर लगने वाले ब्याज में कमी आए, तो इसे प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार यदि आप लोन का पूरा बकाया समय से पहले ही जमा करके लोन बंद कराना चाहते हैं तो इसे लोन का फोरक्लोजर कहा जाता है। तो दोस्तों, इन बातों को लोन बंद करने से पहले ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं क्या आपका कार लोन समय से पहले बंद कराने का फैसला सही है। यहां मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि समय से पहले कार लोन बंद कराना आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक। कार लोन बंद कराने से पहले आपको जिन पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है उसमें से पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास एकमुश्त पैसा बोनस या अन्य किसी माध्यम से आता है तो आप इन पैसों का उपयोग किसी निवेश या इमरजेंसी फंड के रूप में कर सकते हैं। यह तब और भी फायदेमंद होगा जब आपने यदि कार लोन कम ब्याज दर पर लिया है, क्योंकि हो सकता है इस निवेश का ब्याज कार लोन के ब्याज से ज्यादा हो। ऐसे में आपको आर्थिक मजबूती ज्यादा मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है पेनल्टी चार्जेस को ध्यान में रखना। दोस्तों, बैंक या फाइनेंस कंपनी में कार लोन समय से पहले बंद कराने से आप लंबे समय के ब्याज से तो बच जाते हैं, लेकिन पेनल्टी और चार्जेस जो तो आपको चुकाना पड़ता ही है। जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर लोन लेने के 12 महीनों के बाद लोन बंद करा सकते हैं। इसके बाद भी हो सकता है आपको 4 से 5
प्रतिशत लोन की बकाया राशि का पेनल्टी के रूप में चार्जेस चुकाना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है कार लोन ट्रांसफर के विषय में जरूर सोचें। दोस्तों यदि आपका वर्तमान कार लोन महंगे ब्याज पर चल रहा है और आप इसी कारण से इसे समय से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो कार लोन ट्रांसफर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज बहुत सी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको आपके चल रहे कार लोन को कम ब्याज पर टेक ओवर करती है। ऐसे में आप कार लोन ट्रांसफर के माध्यम से कम ब्याज का फायदा उठा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, पॉइंट ध्यान में रखें कि शुरुआत में इसे बंद करें। दोस्तों यदि आपने कार लोन शुरुआत में ही बंद करने का निर्णय लिया है तो मेरे हिसाब से आप सही है। इससे आप लगने वाले ज़्यादा ब्याज से बच सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा पैसा पेनल्टी चार्जेस के चार्जेस में ज़रूर जमा करना पड़ सकता है। दोस्तों अब तक आपने जो जानकारी देखी या सुनी है वो आपको कैसी लगी उसे बताने के लिए लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आगे और भी जानकारी बाकी है, उसे देखने और सुनने से पहले एक लाइक ज़रूर करें। कार लोन को समय से पहले बंद करने के नुकसान का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर असर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कार लोन का समय से पहले भुगतान करते हैं तो इसका खराब असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है क्योंकि यदि आप कार लोन के चलते नियमित किस्तें जमा करते रहते हैं तो इसका क्रेडिट स्कोर आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता चला जाता है। यदि आप इसे बंद कर देते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर का इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। तो दोस्तों कार लोन समय से पहले बंद कराने के इससे पहले पांच महत्वपूर्ण पॉइंट पर जरूर विचार करें। हो सकता है आपका निर्णय गलत हो या ये भी हो सकता है आपका निर्णय सही हो, तो इन पांच बातों का ध्यान रखकर ही समय से पहले कार लोन बंद करें। तो दोस्तों ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी आपके लिए। आखिरी में बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 8 सालों से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और आज देश के हर व्यक्ति तक ऐसी ही सही जानकारी पहुंचाना मेरा मिशन है। हो सकता है इस जानकारी की जरूरत आपके किसी मित्र या रिश्तेदारों को भी हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और मेरे इस मिशन से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या आप किसी अन्य जानकारी पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप मुझसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।